राम जय हिंद, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिम फिटनेस पे। आज बात करेंगे दौड़ के लिए प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करें या ना करें। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब भी आप प्रोटीन पाउडर लेते हो, प्रोटीन पाउडर से पहले एक चीज़ ये समझो कि जब भी आप मैदान पे गए, ठीक है, आपने बहुत अच्छा रनिंग करी, आपने बहुत अच्छा वर्कआउट किया, तो उस बीच में क्या होता है, हमारी मसल फाइबर का ब्रेक डाउन होता है, हमारी मसल फाइबर टूटती हैं। अब हमारी मसल फाइबर अगर टूटती हैं तो उनको बनाने के लिए, दोबारा बिल्ड करने के लिए उनमें चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, जिसमें कि मेन होता है प्रोटीन। ठीक है, तो अब प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन आपकी मसल फाइबर जो होती है उसको रिपेयर करता है, नई मसल फाइबर बनती हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि मसल रिकवरी होती है। मसल रिकवरी का मतलब यही होता है कि जब आप वे प्रोटीन लिया, आपकी बॉडी ने डाइजेस्ट किया, आपकी जो मसल फाइबर का ब्रेकडाउन हुआ था वो दोबारा से बनी, उसके बाद उसमें नई मसल फाइबर बनी, ये रिपेयरमेंट होते होते आपकी मसल बनती है और आपकी मसल रिकवरी होती है, पहली चीज़। इसीलिए कहा जाता है प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जब आपका घर बनता है, कोई भी घर किसी का भी बनता है, तो ईंटें अगर आप सीधे खड़े कर दोगे तो दीवार नहीं बनेगी, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, ईंटों के बीच में मसाला भरना पड़ता है। बस वही मसाले वाली चीज़ें हैं, वही हमारे बिल्डिंग ब्लॉक हैं ये। तो आपको क्या करना है, वे प्रोटीन अगर आप लेना चाहते हो, बिल्कुल सेफ ऑप्शन है और बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत हेल्दी ऑप्शन है। सिर्फ यहाँ पे मसल फाइबर के लिए ही नहीं, आपकी मसल रिकवरी के लिए भी नहीं, आपकी हार्ट, आपके गट, आपके जो नेल्स हैं, आपके जो बाल हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सबके लिए प्रोटीन जरूरी है, सबके विकास के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो कोई भी अगर तुमसे ये बोल रहा है कि फुलाने वाली बॉडी के लिए डब्बा ले रहे हो, तो बिल्कुल बोल दो डब्बा ले रहे हो और खा के डब्बा उसको खाली उसको दे दो। ठीक है, करना क्या है, लेना किसी अच्छे ही ब्रांड का है। अगर आप ये 400, 500, 600 के चक्कर में पड़ गए तो बिल्कुल पैसा वेस्ट करोगे, इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऊपर से फिर वो लोग जो बोलते थे ना कि प्रोटीन खाने से किडनी खराब हो जाती, उनकी बात सच साबित हो जाएगी, जबकि ऐसा कहीं पे भी नहीं है। वे प्रोटीन होता क्या है, वे प्रोटीन दूध का ही बाय प्रोडक्ट होता है, जो आप वो निकाल देते हो उससे पनीर, उसके बाद जो पानी बचता है उसी से बनता है वे प्रोटीन। इसमें कुछ भी नया ऐड नहीं किया जाता है, बस हाँ कुछ केमिकल्स इस तरीके से मिलाए जाते हैं ताकि प्रिजर्व हो सके ज़्यादा टाइम के लिए, तो बस उतना ही होता है, बाकी एकदम सेफ होता है, कोई भी इसमें कुछ भी दिक्कत 1% की भी नहीं है। आपके पास अगर बजट है 2,2200 रुपये तक का, तब आप जरूर परचेज कर लो, और अपनी जो रनिंग करते हो, जो वर्कआउट करते हो, उससे आने के बाद एक स्कूप प्रोटीन पानी के साथ। अब देखो पानी के साथ क्यों, क्योंकि सबसे पहला जो प्रोटीन जो हमारी बॉडी जो सबसे जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है वो होता है वे प्रोटीन। दूसरे नंबर पे जो आता है वो होता है एग प्रोटीन, मतलब कि एग वाइट्स खाते हो आप, पूरा अंडा खाते हो। तीसरे में आता है डेयरी प्रोटीन, मतलब कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं, जैसे कि आप मान लो पनीर खा लिया आपने, टोफू खा लिया आपने, दही खा लिया, दूध पी लिया, ये आता है थर्ड में। ठीक है, तो आपको वे प्रोटीन पानी के साथ लेना है ताकि और जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि देखो वे प्रोटीन आप ले रहे हो साथ में, अगर आपने दूध के साथ ले लिया तो कैसीन होता है स्लो डाइजेस्टिव और ये होता है फास्ट डाइजेस्टिव, तो ये चीज़ें आपका कॉम्बिनेशन, आपका पेट का डाइजेशन बिगाड़ सकती हैं। इसलिए कहा जाता है हमेशा आप पानी के साथ ही लो, जब भी आप रनिंग करके आओ उसके तुरंत बाद, ताकि आपकी मसल रिकवरी बहुत बढ़िया से हो सके और अगले दिन आप अच्छे से वर्कआउट कर सको। और अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप बिल्कुल परचेज मत करो, लेकिन अगर बजट है, और हाँ ये मत सोचना कि आपको बॉडी बनानी है तो आप 3 टाइम ले लो, नहीं, सिर्फ एक टाइम अपने वर्कआउट के बाद ही कंज्यूम करो, बस एनाफ है, इससे ज़्यादा आपकी ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलते हैं एक और सप्लीमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।